लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को। असा निकले आ छड़ सारी फिकरा गांदे आ जालिम वापस जाओ 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 मिट्टी दे कण कण विचो है आंदी ऐही गूंज ऐ जालिम वापस जाओ। टिकरी बॉर्डर पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर कई किसान और आंदोलनकारी हम लोगों के साथ हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे और समझेंगे कि अभी तक जो सरकार और किसानों की बातचीत है उसमें कोई नतीजा क्यों नहीं आ रहा है और कल के बातचीत से क्या क्या उम्मीदें यहाँ के किसानों को है। ये जो तीन नए कानून आए हैं और इस पर सरकार लगातार कह रही है किसानों के फायदे में किसानों के फायदे में, तो आप लोग इस पे सरकार को क्या कहना चाहेंगे? जे किसान जे फायदे चाहते कानून फिर सानू इत्थे बैठन दी की लोड़ सी? हिंदी में अगर आप बोल सकें। हिंदी तो आती नहीं यारा। अच्छा कोई नहीं। हाँ जे साडे कानून फायदे चाहते फिर असीं इत्थे क्यों बैंदे? ये कानून साडे लिए चंगे नहीं है सर। अच्छा मान लीजिए कि अगर हमारे प्रधानमंत्री ये वीडियो देखते हैं, हालांकि वो देखेंगे नहीं, वो जी और रिपब्लिक टीवी देखते हैं, लेकिन अगर देखते हैं तो आप उनको क्या मैसेज देंगे? मैं तो यही कहना है भी आप देख कानून वापस ले ले। हाँ ठीक है। और कल की बातचीत से उम्मीद है कि सरकार कानून वापस लेगी? लेगी, अज नहीं लेगी तो कल लेनी पड़ेगा। जट नहीं जाते तो असं नहीं जाते तो मर जाएंगे। चार चार साल का साडे कोले राशन है जी, असं इत्थे रहेंगे, असं नहीं जाएंगे। आज ट्रैक्टर रैली है। हाँ। किसानों की। हाँ। कैसी तैयारी है, कब से शुरू होगी ये ट्रैक्टर रैली? एदा तैयारी है, फुल तैयारी है, एदा जान लागे 11 बजे। हाँ 11 बजे चाले पौने आगे, सबकी तैयारी है, ट्रैक्टर चलेंगे, एदा जित के मुड़ेंगे असि, हूं नहीं मुड़ते। आप मैसेज मोदी जी को पता लग ही गया, हूं दस ही रहा भी दुखी किसान अज सड़कों पर निकल रहे है, अज निकल ही रहा। ये मोदी जी का भुलेखा और मोदी जी सरकार का भुलेखा, अमित शाह का भुलेखा, किसान अज सारा कढ़ के जाएंगे। और क्या लग रहा है कि कल की बातचीत में कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा? नहीं, कोई संभावना नहीं। बातचीत ही सरकार अजे टस तो मस नहीं हुई, उत्थे ही खड़ी है, पर जिहड़ा सरकार दा रौं रहता उसके खिलाफ किसानां दा अज वड्डा संघर्ष, महा संघर्ष, दुनिया भर का संघर्ष बनाया बनिया। जो अज असी सड़कों पर किसान मजदूर मुलाजम हर वर्ग का लोग सड़कों पर है, ये मोदी की सरकार के नक्च दम लिया के रहा। प्रधानमंत्री जी मान जाइए, जे जे बंदे मानने वाले नहीं है, हम ऐसे नहीं करके वापस जाएंगे, कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे भाई। अब तो इतने लोग हो गए, अब ये कैसे ना मानेगा प्रधानमंत्री? है हमारा ही प्रधानमंत्री, किसी और का तो है ही नहीं है, हमारा ही प्रधानमंत्री है। मान जाएंगे? मान जाएंगे यार, मानेगा कैसे ना। वो तो एक मिनट थोड़ी सी हड़ी है, इतनी सी हड़ी है उसकी, वो निकल जाएगी, निकाल के हटेंगे। निकाले हटना नहीं, जितने मर्जी बदले, जितने मर्जी बदले, निकाल गाड़ियाँ कट के हटेंगे। अच्छा कल की बैठक में आज जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई है उसका दबाव सरकार पर बनेगा? हाँ हाँ, पूरा फुल प्रेशर है। पहले ही बाली डरी पई है सरकार, तो बुरे हाल हो पे है, एडे नहीं गल हैगी कोई, मैं खा मखा दी अड़ी है, मनिया भी पिया, लगभग मन ही पिया, कोई यह जी गल नहीं हैगी, कोई डरन वाली गल भी नहीं, ना कोई लोगों को डरन वाली गल है। एक दो थाई छोटिया मोटिया घटनावें कीतिया जड़िया इन्होंने, वो इनिया क चाल खमनी भी लोग उठनगे खनी नहीं यार, लोगों ने बढ़िया लामबद्दी वाधू होगी, हम तो मनना ही पैना, हर हर हाल के मनना पैना। आज की जो ट्रैक्टर रैली है कल सरकार पे दबाव बनाने का काम करेगी कल के बातचीत में? हाँ जी हाँ जी, पूरा बनेगा जी। क्या लगता है कल कानून वापस होगा? होगा जी, होगा, करा के रहेंगे जी, हो जाएगा। हाँ करा के जावांगे, ये 2 साल लग जान करा के जावांगे। बिना कराए नहीं हार मान? नहीं नहीं मान, हल्दे नहीं उन्ना चिर, किन्ना चिर हुंदा नहीं। हाँ दिक्कत होगी कोई गल नहीं, बाबे नानक दे लंगर ने ये चलते रहेंगे, हाँ सदन चलते रहेंगे, उठना नहीं किन्ना चिर, फैसला नहीं होना, भावें 10 साल लंघ जाण, शहीदियां दे देंगे, इतनी हलना नहीं असीं।
इब नहीं लुटांगे नहीं पिटांगे पाछे बीरे हम नहीं हटांगे। किसान भगत सिंह होया फिरा कमजोर थे लागे मोदी जी थारी तोब कड़े हम दिल्ली आ गए दिल्ली मोदी जी थारी तोब कड़े हम दिल्ली आ गए मोदी जी थारी तोब कड़े हम दिल्ली आ गए। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है बल्कि अलग अलग लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं किसानों के साथ। अभी हम लोगों के साथ इनकलाबी मजदूर केंद्र के साथी हैं जो यहाँ पर मऊ और फरीदाबाद अलग अलग जगहों से आए हुए हैं किसानों का समर्थन करने के लिए। सर आप किसान नहीं हैं और ये सरकार बार बार कह रही है कि ये सिर्फ एक समुदाय से मेरा मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि एक धर्म का है। अगर आप किसान भी नहीं हैं तो आप इस आंदोलन में क्यों आए? क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार और अलग अलग राज्यों की सरकारें पूंजीपतियों के हित के लिए पूंजीपतियों के फायदे के लिए काम करती हैं और ये सरकारें किसानों को मजदूरों को आम जनता को भ्रमित करने की गलतफहमी में रखने की कोशिश करती हैं कि यह आंदोलन जो है केवल और केवल कुछ प्रदेशों के किसानों का है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह किसान आंदोलन पूरा देशव्यापी हो चुका है और इसमें तमाम किसान संगठनों के साथ साथ तमाम मजदूर संगठन भी इसमें शामिल हैं। इंकलाबी मजदूर केंद्र से लेकर के देश के अलग अलग प्रदेशों में जितने भी क्रांतिकारी मजदूरों के संगठन हैं वे सभी इस किसान आंदोलन को इसलिए समर्थन दे रहे हैं कि कृषि नीतियाँ पूंजीपति वर्ग के मुनाफे के हिसाब से बनाई गई हैं। आप ये लगातार देखने में आ रहा है कि यूपी बिहार के किसानों की जो स्थिति है वो पंजाब हरियाणा के किसानों से बहुत ज़्यादा ख़राब है। पंजाब में राजस्थान में हरियाणा में किसानों की स्थिति थोड़ी अच्छी है, पूरे देश में किसानों की स्थिति ख़राब है, लेकिन फिर भी बिहार और यूपी के जो किसान हैं वो आंदोलन में उतने ज़्यादा सक्रिय तौर पर भाग नहीं ले पा रहे हैं जितना पंजाब हरियाणा राजस्थान के किसान। इसकी क्या वजह है? एक हद तक आपकी बात ठीक है लेकिन सच यह है कि मैं बिहार के तो विभिन्न जगहों पर प्रत्यक्ष तौर पर नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन मैं खुद पूर्वी यूपी से हूँ, बनारस के पड़ोस में मऊ जिला है वहाँ से हूँ और निश्चित तौर पर वहाँ जो है बड़े पैमाने का न सही लेकिन निश्चित तौर पर इस किसान आंदोलन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। खुद हमारे यहाँ मऊ में 27 नवंबर को, 3 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 19 दिसंबर को वहाँ जो है किसान आंदोलन के समर्थन में और यहाँ के पूंजीपति वर्ग की सेवा करने वाली राजनीतिक पार्टियों भाजपा सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ वहाँ प्रदर्शन हुए हैं किसानों के मांगों के समर्थन में। अजय सर ये जो 7 राउंड की बातचीत है सरकार के साथ किसानों की वो विफल रह चुकी है। जो 6ठे राउंड की बातचीत थी उसमें सरकार ने जब 2 फैसले माने किसानों के तो उसके बाद थोड़ी उम्मीद जागी थी कि 7वें राउंड में शायद पूरी मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद किसानों ने कहा, जो डेलीगेशन गई थी उन्होंने बताया कि 7वें राउंड में सरकार फिर से वही पुराने राग अलाप रही है। कल फिर से सरकार की वार्ता किसानों के साथ है, क्या उम्मीदें हैं कल की वार्ता से? देखिए कल की वार्ता का जहां तक सवाल है फिर यह साफ है कि केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि वहां वार्ता में उपस्थित रहेंगे वे इस बात को भांपने की कोशिश करेंगे कि किसान आंदोलन में शामिल तमाम किसान संगठनों के बीच एकजुटता का क्या हाल है। अगर उनको लगेगा कि किसान संगठनों के बीच एकजुटता जो है कमज़ोर पड़ने जा रही है तो वो जो है अपनी मांगें मनवाने की कोशिश करेंगे और फिर वही कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश केंद्र सरकार के प्रतिनिधि करेंगे। लेकिन अगर उन्हें एहसास है कि किसान संगठनों के बीच की एकजुटता मजबूत होती चली जा रही है, किसानों की राजनीतिक समझदारी बढ़ती चली जा रही है और इस किसान आंदोलन को तमाम मजदूर संगठनों का और दूसरे जन पक्षधर संगठनों का, प्रगतिशील लोगों का और तमाम बुद्धिजीवियों का समर्थन बढ़ता जा रहा है तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को फिर झुकना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि और यहाँ पे जो और भी किसान हैं उनसे भी हम लोग जानेंगे कि सरकार एक बात जो बार बार कह रही है कि हम लोग कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, रद्द मत कीजिए, संशोधन करवा लीजिए, तो क्या लगता है संशोधन से काम चलेगा या पूरा रद्द ही करना होगा? रद्द ही कराएंगे, पूरा ही
पूरा कानून रद्द करना, हाँ रद्द करा के फिर ही जाऊँ, नजर नहीं आते इतों। और जो हमारे कृषि मंत्री हैं तोमर साहब, वो ये बात बार बार कह रहे हैं कि किसान इस बात को समझ नहीं रहे हैं, वो कानून के फायदे को नहीं समझ रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि क्योंकि तोमर साहब ने कभी खुद किसानी की नहीं है, तो वो कैसे कानून बना रहे और उनकी क्या समझ पर बन पा रही है आप लोगों के नज़र में? सानू उन्होंने कोई समझ नहीं, असं जिन्हें साढ़े तिने कानून काले रद्द नहीं होंगे उन्ना चेर असं इतों जाते नहीं, रद्द करा के जावे। असं अज रोड मार्च कटना जी ट्रैक्टर का, कट के ही कल जो सा फैसला होगा उस सुन के ही फिर असं 26 तरीक तो पहला काम रद्द करा के फिर ही जावे। आप सिंगू बॉर्डर चले जाइए या आप किसी भी बॉर्डर पर चले जाइए, आप किसी भी किसान से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि उनकी क्या मांग है आखिरी, तो यही कहेंगे कि किसी भी हालत में इस कानून को रद्द ही करना चाहिए, बीच का कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो इसके अलावा वो यहाँ पर साल हो दो साल हो वो यहाँ पर बैठे ही रहेंगे। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पर और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।